तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट शहीद गोरखा यहाँ का स्टैचू है जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसके नाम है शहीद सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री जी, जो को मिला आपका गुड नेम कैलाश जी। एक्चुअली इज अ फ्रॉम गुवाहाटी बट यहाँ पे वो डांस सिखाते हैं। हाय एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज विनोद तामंग। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल विनोद तामंग चैनल पर। लेके भगवान जी का नाम, जय हिंद जय गोरखा कह के शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया सा व्लॉग। तो फिलहाल हम लोग हैं नागालैंड के कोहिमा पे, तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मणिपुर की ओर। तो जितने भी होगा आज का ये व्लॉग चैनल में मणिपुर एरिया एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करेंगे नागालैंड से मणिपुर। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो पर, और एंजॉय करिए ये बढ़िया सा कोहिमा सिटी का व्यू। कोहिमा ट्रैफिक पुलिस, कोहिमा ट्रैफिक पुलिस, क्या बात क्या बात। तो ये है आपका कोहिमा सिटी, यहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो देखिए जाते समय देख लीजिए बढ़िया सा कोहिमा सिटी किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया से दिखाने को मिले। देखिए देख रहे हैं गाइस, वाओ, दिस इज अ कोहिमा सिटी, क्या बात जगह है, मस्त बढ़िया है। सो ये थोड़ा सा डस्टबिन कुछ ज़्यादा रख लेता तो और अच्छा हो जाता। सो दोस्तों, कोहिमा में ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है हमें, बहुत ट्रैफिक है यार। ये यहाँ से निकलना, और ये मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया है, जितनी ये ऑल्टो है ना गाड़ी, इस सब ऑल्टो को टैक्सी बनाया। देखिए आपको ऑल्टो गाड़ी जाता है, आपको यहाँ पे टैक्सी गाड़ी, देखिए 800 हो गया मात्र 800 ऑल्टो। ये जो गाड़ी है ये आपका, देखिए पूरा देखिए सब ये टैक्सी, मतलब ऑल्टो को यहाँ पे एकदम टैक्सी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो दोस्तों अभी भी हम लोग जा रहे हैं, एक ट्रैफिक बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और बड़ा सिटी है आपको, अब कोहिमा आपका नागालैंड का राजधानी, तो डेफिनेटली आपका राजधानी है तो बड़ा सिटी होना चाहिए, है कि ना गाइस। तो चलते हैं, आप ये जितना दिखा दिया मैं सिटी, अब कुछ दिखाने को मिला तो दिखा लेंगे, नहीं तो आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं बढ़िया सा ट्रैफिक से, बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे, और बढ़िया सा कोहिमा सिटी से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इम्फाल की ओर, तो देखते हैं कब तक पहुँचेगा इम्फाल। और रोड कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं है गाइस, बहुत ख़राब, क्या बोलूँ, सब भी नहीं है, तभी भी चलाना पड़ेगा। ऑफ रोड आपका बहुत है, यहाँ पर स्पीड उतना जाएगा नहीं, देखिए 30-32 वही जाएगा, तो इसी कारण से थोड़ा लेट से पहुँचेगा इसमें हमको लग रहा है। तो ठीक है गाइस, बने रहे हमारे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया ब्लॉग वीडियो पर। यहाँ पे अभी पेट पूजा करके अब निकलते हैं यहाँ से, गर्मी तो यार पहाड़ी एरिया लेकिन गर्मी बहुत है यार, जैसे हम लोग को सिक्किम में होता जोरथांग में गर्मी, वैसे गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहाड़ी एरिया पर। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया सा व्यू। देखिए ना, रोड कंडीशन अच्छा नहीं है, अभी वहाँ इम्फाल से आए थे कुछ गाड़ी पे, तो उन लोगों को पूछा था मैंने, तो बोला था रोड तो कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ख़राब है। तो 7 बजे निकला था उन लोग, यहाँ पे 12 बजे पहुँचे, तो सोच लीजिए अरे वाह कितना टाइम लगा। तो चलो दिखाते, दिखाने को मिला तो बने रही हमारे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो पर। एक तो ये ऑफ रोड और ये फिर बारिश आना शुरू हो चुका है, अब करना क्या है, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, ऑफ रोड और बारिश, क्या करना है, अब रेनकोट लगाना पड़ेगा यार बारिश आने शुरू कर। चलो ये बारिश, ऑफ रोड, ऊपर फाफड़, ऐसा देख के तो कब पहुँचे यार,
उतना मज़ा नहीं आया नॉर्थ ईस्ट राइड करने में जो मज़ा आया था पहले पहले, पूरा एकदम मतलब, अरे एक बार भीग गया तो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बार बार भीग रहे हैं इतना तो सही बात नहीं है कि नहीं, बीमार सीमार हो जाएगा फिर। रोड करने से इतना ख़त्म है कि क्या बोलूँ यार, छिट बहुत ख़त्म, बहुत घटिया। चलो मिलते थोड़ी देर में, क्यों भाई पूरा रोड दिखे एकदम, ये कहाँ तक ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, ऐसे जगह कब पहुँचेंगे। तो दोस्तों अभी भी हम राइड कर रहे हैं और ये रोड थोड़ा सा अच्छा बेटर मिला वहाँ से, तो थोड़ा चलो शांति हुआ यार, ऐसा रोड हो जाए तो चलो बढ़िया से और इजीली पहुँच जाएंगे, नहीं तो वहाँ के रास्ते में तो क्या बोलूँ यार, हालात ख़राब हो गया था। तो अभी भी हम लोग ऑन द वे में जा रहे हैं इम्फाल की ओर, तो दिखाने लायक का व्यू मिला तो दिखाएंगे ज़रूर। तो बने रहिए इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो पर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मणिपुर, तो मणिपुर शुरू हो चुका है हम लोग का। तो मणिपुर जैसे इंटर हुआ, रोड कंडीशन उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं, सही है, चलाने का लाइक का है। और बड़े बड़े ट्रक तो बारे बा कितना है यहाँ पे यार, आपको बड़े बड़े ट्रक बहुत सारे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो फाइनली वी हैव रीच मणिपुर, सो आप दिखाते हैं मणिपुर का रोड और मणिपुर का व्यू और मणिपुर का गांव और मणिपुर का एरिया। ओके गाइस, तो हमारे साथ बने रहिए इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया राइड ब्लॉग वीडियो में। तो चलते हैं आगे की ओर। वेलकम टू सेनापति डिस्ट्रिक्ट, सेनापति डिस्ट्रिक्ट ओ माय गॉड, क्या इस जगह का नाम क्या सेनापति है क्या, कन्फ्यूज में डाल दिया मेरे को। मणिपुर में है अभी हम लोग, अभी सेनापति डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो क्या कहीं पर जगह का नाम दिखा यार, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, जगह का नाम दिखा भाई, हम लोग कहाँ पे है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि सेनापति हो सकता होगा क्या। चलो गाइस, सो मणिपुर में तो इंटर हो चुके हैं हम लोग, तो रोड कंडीशन तो उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है, सही है, चलाने का लाइक का है। लेकिन नागालैंड में तो आते समय फर्स्ट टाइम में तो फर्स्ट मत में तो बहुत अच्छा रोड मिला है, ऐसा रोड मिला कि क्या बोलूँ, उसके बाद जो रोड मिला ना दिमाग ख़राब। तो देखिए यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा घर देखने को मिल रहा है, सिटी देखने को मिल रहा है, ये है आपका मणिपुर। तो दोस्तों नागालैंड में जब हमने टैक्सी देखा था वो तो वहाँ पे टैक्सी था ऑल्टो का, ठीक है, पूरा ऑल्टो को टैक्सी बनाया था। और यहाँ पे देखिए इस टाइप का, ये सेम तीन चक्का वाला ऑटो नहीं होता है उस टाइप का, आपको टैक्सी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो जहाँ तक ठीक ही है। तो ये जगह का नाम क्या है, मैं यहाँ पे दिखता हूँ और आपको, सेनापति, ओ तो सही है वो, ये सेनापति है। तो सेनापति एरिया में हम आ चुके हैं दो भाई बढ़िया से मणिपुर के, तो जगह अच्छा है यार मणिपुर। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, फीलिंग भी अच्छा लग रहा है, सेनापति वाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग पहाड़ के सबसे नीचे की ओर आ चुके हैं, मतलब चारों ओर पहाड़ से घेरा हुआ है इस एरिया को, और बीच में हम बाइक राइड कर रहे हैं। लेकिन मेन बात वही है, यहाँ पे थोड़ा आपको ऑफ रोड देखने को मिल रहा है, कच्चा रोड है यहाँ पे, और चारों ओर पहाड़ पहाड़, सेम काठमांडू की तरह, लेकिन काठमांडू तो बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा है, लेकिन सेम वही सही है, चारों ओर पहाड़ से इस एरिया को घेरा हुआ, ये नीचे है और यहाँ पे धान खेती होती है। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको जब थोड़ा साइड रोड आ जाए, हाँ वहाँ पे देखिए वो पूरा धान खेती भी होती है, ठीक है गाइस। ओह माय गॉड, रोड कंडीशन यार इतना रफ है, इतना क्या कहे यार, माय गॉड यार, इतना गंदा है कि रोड बोल नहीं सकता मैं। तभी मैं राइड कर रहा हूँ बढ़िया से, क्या करें, धूल वैसा और ये ऑफ रोड और पानी, चलो यही है राइडर लोग का जिंदगी। देखिए नीचे पूरा धान खेती। ओके गाइस,
सो हाय एवरीवन, अभी हम दो भाई पहुंच चुके हैं कांगपोकपी, मणिपुर की ये कांगपोकपी एरिया है। सो अच्छा बाजार मार्केट दिख रहा है यहाँ पे तो, और धूल तो इतना उड़ रहा नहीं, गाड़ी बड़ा बड़ा गाड़ी उड़ा रहा है बहुत सारे धूल। और ये है आपका कांगपोकपी असम राइफल। तो दोस्तों ये है आपका मणिपुर का काला पहाड़, बहुत बढ़िया और जगह यार मस्त है यार, मतलब चारों ओर से, मैंने आपको पहले बताया था कि चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ जगह है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा धान का खेती हो रहा है ठीक है, ये नीचे और चारों ओर पहाड़ी पहाड़ और बीच में ये जगह है, मस्त है यार जगह तो अच्छा है। हाँ एकदम, मतलब रहने के लायक का जगह का, सच में ये जगह बहुत पसंद आया। और एक यहाँ पे ना मेरे को एक तो गोरखापन फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गोरखा लोग रह रहे थे जैसे, मेरे को फील हो रहा है, आई डोंट नो, शायद हो सकता होगा क्योंकि पूरा एकदम जो घर का बनावट है वो चेंजिंग है। देखिए अब नागालैंड में भी गोरखा लोग है वहाँ पे ठीक है, लेकिन वो जो उन लोग थोड़ा नागा का कल्चर को थोड़ा एक्सेप्ट किया हुआ है, आसाम में भी है, लेकिन यहाँ पे जैसे मेरे लग रहा है कि एकदम सॉलिड अच्छा लग रहा है इस मेरे को। तो जो भी हो एकदम व्यू आपका बहुत 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 बढ़िया है, अच्छा अच्छा जगह है। तो जाते समय एक गोरखा का स्टैचू देखा हम लोग ने, खुकुरी मारते हुए, तो वही देखने के लिए आ गए। ओके गाइस, देखते क्या है एक्चुअली यहाँ का इतिहास और क्या। तो स्टैचू आपको देखने को मिल रहा है गोरखा का, तो इसी कारण से हम आ गए, तो जानने की जिज्ञासा हो गया कि एक्चुअली क्या चीज़ के लिए। और तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ये कांगला टुंगबी एरिया। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट शहीद गोरखा यहाँ का स्टैचू है जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसके नाम है शहीद सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री जी, जो सबसे पहले एंग्लो मणिपुरी वार में वार हीरो ऑफ 1891 का हीरो गोरखा, जिसने देश के लिए अपनी जान दिए थे, सबसे पहले शहीद गोरखा। तो यहाँ पे हमारे एक ब्रदर मिलने को मिला, आपका कुछ नेम? कैलाश जी, एक्चुअली इज अ फ्रॉम गुवाहाटी, बट यहाँ पे वो डांस सिखाते हैं बच्चे लोग को, लड़के लोग को, स्टूडेंट को, इसी कारण से अभी फिलहाल मुलाकात हुआ। तो हमारे ब्रदर का भी यूट्यूब चैनल है, तो आपका यूट्यूब का नाम थोड़ा बता दीजिए। मेरा यूट्यूब का नाम कैलाश ही है, KOILASH कैलाश हुई है, कैलाश। ओके, तो और कुछ कहना है आपको? और कुछ तो नहीं कहना है, अभी मतलब स्टार्टिंग है मेरा भी ब्लॉगिंग, तो वही आप लोग का हेल्प चाहिए। हम आपको हेल्प करेंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अच्छा लगा यहाँ पे सबसे पहले भारत देश के लिए शहीद होने वाले गोरखा स्टैचू देखने को मिला, अच्छा लगा। होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बड़े इतिहास है यार, सब लोग देश के लिए जान दिए हैं, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए गोरखा के लिए वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वही मेरे को थोड़ा दुख लगता है कि इस देश के लिए हमारे बहुत वीर गोरखे गोरखा लोग ने अपना जान बलिदान देके देश के लिए शान के लिए आगे बढ़े हैं। तो कुछ तो यार सरकार को भी करना चाहिए, ठीक ना गाइस। तो जो भी हो अच्छा लगा यहाँ पे आके देख के। तो बात करते करते यहाँ पे थोड़ा रात होना शुरू हो चुका है, आज भी लग रहा है कि लेट से पहुँचेंगे। तो जो भी हो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे गोरखे लोग हैं, यहाँ पे आपको गोरखा ज़्यादा तो देखने को मिलेगा, पूरा एरिया ये पूरा एरिया ही गोरखा है ये। तो अच्छा लगा यहाँ मिल के, तो चलो मिलते हैं आप अनदर लोकेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइट ब्लॉग वीडियो पर। तो अभी हम लोग इम्फाल पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो पूरा प्लेन, जैसे हम लोग को नहीं होता सिलीगुड़ी एरिया, सेम वैसे ही एरिया नीचे प्लेन साइड देखने को मिल रहा है। और पहाड़ तो ख़त्म हो चुका है, छोड़ के आ चुके हम लोग पहाड़, ये पहाड़ से नीचे जैसे आपको पता चलेगा जी सुखना एरिया जो सालेगुड़ा एरिया जैसे होते प्लेन पहाड़ से झरने के साथ, वैसे ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ओके सो
लेकिन आप साइड में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उतना गोप्रो तो उतना जस्टिस कर नहीं पा रहा है तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को देखने को मिल रहा है ठीक है। और रोड भी बहुत यहाँ पे तो अच्छा ही है, तो देखते हैं कितने देर में आएगा इम्फाल। तो जैसे इम्फाल आ जाएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया नेटवर्क वीडियो पर। दोस्तों फाइनली हम लोग इम्फाल आ चुके हैं। तो इम्फाल सिटी है आपको जो आपको देखने को मिल रहा है, बढ़िया सिटी है, अच्छा है, देखने में अच्छा है और रोड तो यार बहुत बढ़िया है। तो अब हम लोग होटल जो है मेन काम तो है ना गाइस, होटल ढूंढना है, होटल ढूंढेंगे क्योंकि रात हो चुका है। गोप्रो तो उतना रात को दिखा नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली रात हो चुका है ठीक है गाइस। तो अब होटल देखते हैं और होटल में रेस्ट करते हैं। होप सो आज का ये ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो गाइस क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ओके गाइस। तो प्लीज यार सपोर्ट करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस। आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, तो कल देखते हैं क्या होगा ओके। हम लोग कहाँ जाएंगे वो आपको अपडेट कल मिल ही जाएगा। सो एंड सपोर्ट करने के लिए जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त भाई सपोर्टर सिस्टर ब्रदर जो भी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहे, कमेंट कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे, शेयर कर रहे, उन सभी जन को मेरी ओर से दिल से धन्यवाद। और जो जो कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन मेरा वीडियो देख रहे हैं ओके गाइस। तो बने रहिए हमारे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया राइट ब्लॉग वीडियो पर। और आज के लिए टाटा बाय बाय यहीं तक ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।